पूरी ताकत बनकर आपके साथ खड़े हैं। आज कितने घर बर्बाद हो गए नशे में, आज वो माँ आपको दुआएं दे रही होंगी। अगर देश के कोने में वो माँ, वो पिता जिसने युवा आयु में अपने बेटों के हाथ में रोजगार देखने की उम्मीद की और उनके बेटों के हाथ में, बच्चों के हाथ में रोजगार नहीं नशा था। जिन बूढ़े कंधों को सहारों की जरूरत थी, उन बूढ़े माँ बाप के कंधों को जवान बेटों की जो है अर्थी उठाते हुए हमने आपने देखा है। आज भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस की नौकरी दो नशा नहीं, ये मुहिम उन हजारों हजारों माँ बाप की उम्मीद की किरण बनकर आई है। मैं उन्हें विश्वास दिलाती हूँ, हमेरी चोटी का जोर लगा देंगे। भाजपा राज्य हो या देश का कोई भी राज्य हो, जहाँ से नशा फल फूल रहा है और सरकार को नशे के धंधों से काली कमाइयाँ आ रही हैं, और ये काली कमाइयाँ जो नशों से आ रही है वो सत्ताधारी दिल्ली में बैठी पार्टी अपने चुनावों पर लगा रही है। हम सबको मिलकर इन्हें विफल करना होगा। मैं जिस विधानसभा से विधायक रही, मैं पुलिस चौकियों तक जाती रही, आपको भी सामना करना पड़ेगा। पुलिस को आपका साथ देना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अपना अनुभव बता रही हूँ। विधायक थी मेरी विधानसभा में चरस, अफीम, गांजा, चिट्ठा बिकता था। पुलिस को क्या 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 थक गई, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। जब मैंने आंदोलन किया तो मुझे आकर पुलिस बताती है आप पर हमला हो सकता है, मुझे पुलिस बता रही है लेकिन हमले को नहीं रोक पाती। हेलो, एक विधायक थी और मुझ पर हमला होता, ये इसलिए बता रही हूँ कि हमले आप पर भी होंगे। अगर आप निकलेंगे गली में, सड़कों पर नशे के खिलाफ, नशा माफिया सत्ता के संरक्षण पर आप पर हमले करेगा। पुलिस सुनवाई करेगी या नहीं करेगी इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि कोई थाना ऐसा नहीं होता जिसे इस बारे की जानकारी ना हो कि उसका थाना जहां है वहां नशा बिक रहा है या नहीं बिक रहा। इन थानेदारों को, इन पुलिस चौकियों को सब खबर रहती है। मैं अपना अनुभव फिर बता रही हूँ। मैं जब विधायक थी 2015 में, जो डीसीपी थे, आईपीएस ऑफिसर डीसीपी थे, सारे सबूत सारी जानकारी दी, लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं की। मैंने घरों में बताया इस घर में गांजा है, अफीम है, चरस है और ये भाजपा का नेता है, लेकिन पुलिस ने तब भी हिम्मत नहीं दिखाई। मैंने फेसबुक लाइव कर दिया, उल्टा फेसबुक लाइव करने से सारा दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आज भी वो फेसबुक लाइव 50 लाख लोगों ने देखा, पर क्या हुआ, आधे घंटे के अंदर पुलिस मेरे घर मुझ पर एफआईआर करने आती है कि आपने घुसपैठ की है, घुसपैठ की है, पासिंग किया है, किसी घर में घुसी हूँ, उस घर में घुसकर अगर मैंने घुसपैठ की, किसी कानून नियम को तोड़ा, लेकिन उसके आगे की सच्चाई क्या थी, मेरे हाथ में अफीम, चरस, गांजा उस घर से जो बरामद था वो था, वो फेसबुक लाइव पर था, लेकिन एफआईआर नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई और 4 सालों तक मुझे कोर्ट के चक्कर काटने पड़े और बड़ी हुई थी। ये सबके लिए आपको तैयार रहना होगा। ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है, ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है और मुझे पूरा विश्वास है भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता हमेशा सर पर कफन बांधकर एक बदलाव की लड़ाई के लिए निकला है। और इस बार भी आप नौकरी दो नशा नहीं इस मुहिम को लेकर आगे बढ़ेंगे और पूरे संगठन महिला कांग्रेस के अध्यक्ष और मेरी बहनें आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मुहिम को कामयाब बनाने और राहुल गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए कि एक युवा, शक्तिशाली युवा, ताकतवर युवा, देश में समय के साथ बदलाव लाने की ताकत रखने वाला युवा अब आगे आएगा। मैं उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ। जय 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 ज